हर पूजा पाठ और अनुष्ठान में भगवान गणेश जी को प्रथम पूजनीय माना गया है। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करने के बाद ही दूसरे देवताओं की पूजा होती है। वैसे तो अन्य देवी देवताओं के कई सारी मंदिरें आपने देखी होंगी, जिसमें आपको भगवान भोलेनाथ और कई दुर्गा माता के अलावा कई और मंदिर आपने देखी होगी, लेकिन भगवान गणेश जी की मंदिर बहुत कम स्थानों पर है। वैसे तो भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, उनके दर्शन मात्र से ही विघ्न दूर हो जाते हैं। वहीं भक्त उन्हें बुद्धि के देवता भी कहते हैं और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद मांगते हैं। आज हम आपको छत्तीसगढ़ के एक प्राचीन गणेश मंदिर का दर्शन कराने वाले हैं। यह मंदिर राजधानी रायपुर के सबसे प्राचीन तालाब यानी बूढ़ा तालाब के तट पर बूढ़ापारा में स्थित है। यहाँ भगवान गणेश विघ्नहर्ता स्वरूप विराजित हैं। लोगों की मान्यता है कि यहाँ आकर दर्शन करने वालों के कष्ट विघ्नहर्ता हर लेते हैं। यहाँ गणेश जी के 8 स्वरूप मुख्य रूप से माने जाते हैं। वहीं 8 स्वरूप मुख्य रूप से इस मंदिर में दर्शाए गए हैं। उनकी प्रतिमा के नीचे जिक्र भी किया गया है, जैसे वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, गजानन, लंबोदर, विघ्नहर्ता, धूम्रवर्ण और विकट शामिल है। यह गजानन जी के प्रथम 8 मुख्य स्वरूप को दर्शाया गया है। इसके अलावा अंदर सिद्धि विनायक बैठे हुए हैं। ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब के तट पर स्थित यह दक्षिणमुखी गणेश मंदिर है। मंदिर के पुजारी पंडित विनोद मिश्रा ने बताया कि यहाँ पर भक्त हर महीने आते हैं। इस मंदिर का महत्व राजधानी के अंदर अलग ही है, क्योंकि यह राजधानी में गणेश जी का सबसे पुराना मंदिर है। यहाँ भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना आरती विशेष प्रकार से की जाती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अभिषेक और श्रृंगार किया जाता है। भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता है। कई भक्त आते हैं, भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर के पुजारी पंडित विनोद मिश्रा ने आगे बताया कि गणेश जी को सबसे ज्यादा मोदक के लड्डू पसंद है। यहाँ गणेश जी को मोदक का भोग लगाया जाता है, साथ ही दुर्वा भी चढ़ाया जाता है। यह मंदिर लगभग 40 से 42 साल पुराना है। मंदिर जब स्थापित हुआ तब से यहाँ पर भक्त हमेशा आते हैं और भगवान गणेश उनकी सुनते भी हैं। रोज करीब 10 से ज़्यादा भक्त मनोकामना के लिए यहाँ नारियल बांधते हैं। मनोकामना पूरी होने के बाद उसे निकाल देते हैं। अगर आप राजधानी रायपुर पहुँचते हैं तो इस गणेश मंदिर का दर्शन आप अवश्य कर सकते हैं। इस प्राचीन गणेश मंदिर के पुजारी पंडित विनोद मिश्रा क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। यहाँ पर भक्त 12 महीने ऐसे ही आते हैं, क्योंकि इस मंदिर का जो महत्व है कुछ राजधानी के अंदर अलग ही है, क्योंकि राजधानी में सबसे पुराना मंदिर गणेश जी का यही है और यहाँ का जो पूजा अर्चना आरती वगैरह जो है वो विशेष प्रकार से होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गणेश जी की पूजा अर्चना होती है, अभिषेक होता है, श्रृंगार होता है और फिर पूरा दिन ऐसे ही चलता रहता है। भक्तों का तांता, भक्त लोग आते हैं, अपना दर्शन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और जिसकी जो मनोकामना होती है वो भगवान को सुनाते हैं, अर्ज करते हैं और भगवान उनकी सुनते हैं, पूरा करते हैं, इसलिए यहाँ पर लोग ज़्यादा आते हैं। गणेश जी को सबसे ज़्यादा मोदक के लड्डू पसंद हैं, मोदक का भोग लगाते हैं और साथ में दूर्वा भी रहती है। कुछ लोग गुड़ भी लाते हैं, दूर्वा गुड़ है, ये सब लगता है, लेकिन विशेष में गणेश जी का जो है मोदक का लड्डू जो होता है उसका भोग लगता है। अगर प्राचीनतम की अगर बात की जाए तो यह मंदिर कितने साल पुराना है? ये मंदिर 40 से 42 साल पुराना है और जब ये स्थापित हुआ तब से आज तक लगभग भक्त ऐसे ही आते रहे और भगवान उनकी सुनते भी हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ कामना के नारियल बांधे जाते हैं, रोज़ 4-6-10 नारियल बनते हैं और 4-6-10 खुलते भी हैं। जो मनोकामना पूरी होने के बाद तो नारियल को खोल देते हैं? हाँ, मनोकामना जब पूर्ण हो जाती है तो लोग अपना अपना नारियल खोल लेते हैं, जिसका जो बना होता है।